नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 99 और मैं चारू। बात करेंगे कर्नाटका विधानसभा चुनाव की, जो 6-7 हफ्ते में ही होने वाले हैं। कर्नाटका में लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग कांग्रेस कर रही है। सिद्धरमैया की पार्टी ने ये फैसला लिया है कि लिंगायत को एक अलग से अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए और इस बार पाला केंद्र सरकार में डाल दिया गया है। केंद्र सरकार को ये बोला गया है, केंद्र सरकार की सिफारिश की गई है कि लिंगायत को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए। तो अब आप समझ सकते हैं कि भाजपा क्या करेगी, क्या भाजपा के वोट बैंक पे इसका असर होने वाला है। आपको ये भी बता दें कि लिंगायत पारंपरिक रूप से भाजपा को वोट दिया करता था, तो अगर लिंगायत के हित में फैसला नहीं किया जाता है तो भाजपा को किस तरीके का नुकसान सहना पड़ेगा। हालांकि कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष येदियुरप्पा ने इस बात का समर्थन किया है, क्योंकि येदियुरप्पा खुद लिंगायत हैं। लेकिन क्या लिंगायत को हिंदू धर्म से अलग कर देना सही होगा, अलग दर्जा दे देना सही होगा? इससे एक बात और समझ में आती है कि लिंगायत से करीब 10 नेता जुड़े हुए हैं, और अगर लिंगायत को हिंदू धर्म से अलग कर दिया जाता है और अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया जाता है तो आरक्षण का समर्थन भी लिंगायत को मिलेगा। कांग्रेस का ये दाव बीजेपी को किस तरीके से पड़ने वाला है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या वोट बैंक की नीति के लिए धर्मों के अनुसार लोगों को अलग करना या धर्मों को अलग करना कहां तक जायज है, कांग्रेस का ये दाव देखने वाला होगा। किसी ने सही कहा है कि राजनीति एक बहुत ही गंदा खेल है।